बैक में एक क्रैक आया था छोटा सा, वो गया सर्विस सेंटर पर, मैं उसके साथ गया, पता नहीं क्या 60-70 हजार रुपए बिल बना दिया 1 लाख रुपए के फोन का, और हल्का स्क्रैच है। बावला सा हो गया कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तेरे को क्या लगता है इतने महंगा क्यों पड़ता है? पता नहीं एप्पल को लगता होगा वो बहुत तगड़ा काम ठीक करा के फोन भाई। आपको पता है क्यों है? हाँ, दो तीन रीजन मेरे को पता है। होता क्या है कि दे सेलेक्ट की वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है सारे पार्ट्स वार्ट्स इधर उधर, एंड दे सोर्स उसको करते हैं एक जगह, फिर वहाँ पे जाके असेंबल करते हैं। ये स्क्रीन कहीं और से लेता है, सैमसंग स्क्रीन देता है, ये सेंसर कोई और देता है, सोनी कभी कर कैमरे बना देता है, वाइब्रेशन सेंसर कोई और ना रहा। एक छोटे छोटे पार्ट को चेंज करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर पार्ट को चेंज करने के लिए पूरा इम्पोर्ट वो करना पड़ता है, और प्लस आईफोन में इतना तो वो कन्फाइन कर देते हैं ना कि हर एक एक इंच को बढ़ाने के लिए वो सारे पार्ट्स को ना एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये दोनों रीजन है।